साल से उन्हें घर पे रहती है। हाँ, 2 साल का बच्चा है, कोई पूछता नहीं। आपके हस्बैंड? वो नहीं पूछता है, कहाँ है? बस अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं। रोई मत, एक साल से हम काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिला। अच्छा चुप हो जाए, कौन सा काम ये करेंगी आप ही लोग बताइए। 2 साल का बच्चा लेके कौन सा काम करेंगे आप? इसमें क्या करते हैं? पता नहीं इसमें क्या करता है, इसमें ही सुबह पे रहता है। बच्चा है जो कि तो हाय फ्रेंड, ये देखिए बहनी आई है हम लोगों से मिलने के लिए और बहुत ही परेशानी में है और इमोशनल हो गई हैं, भावुक होके, और आंखों में इनके देखिए नमी आ गया। रोइएगा मत, प्लीज रोइएगा मत, हम इसलिए कर रहे हैं बहनी, सब मजबूर रोने, देखिए रोने लगी हैं बेचारी। और ये हम लोग कभी सुबह सुबह बैठे ही थे तब तक ये बहनी आई हैं अभी। तो प्लीज आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और आपका चैनल का नाम क्या है? इंदू रावत इनके चैनल का नाम है। तो प्लीज आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिए, इनके चैनल को लाइक। कहाँ रहती है बहनी? बस यहीं भवा पर बाजार से ही हैं। आप कहाँ पे रहती हैं, किसके यहाँ? हरदीप पासवान को जानते हैं? हाँ। हरदीप पासवान जो ऑटो चलाते हैं। अच्छा, वहाँ पे कैसे रहती हैं? उनके रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। क्या लगते हैं? वो हमारे नंदोई लगते हैं। अच्छा, तो 6 साल से हम उन्हीं के घर पे रहते हैं। 6 साल से उन्हीं घर पे रहते हैं? हाँ, 2 साल का बच्चा है, कोई पूछता नहीं। आपके हस्बैंड? वो नहीं पूछता है, बस अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं। रोइए मत, प्लीज। एक साल से हम काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिला। अच्छा चुप हो जाए, कौन सा काम ये करेंगी आप ही लोग बताइए। 2 साल का बच्चा लेके कौन सा काम करेंगे आप? इसमें क्या करते हैं? पता नहीं इसमें क्या करता है, इतने दिन से घर पे रहता। और शादी कैसे, घर वाले कराते? नहीं, हम अपनी मर्जी से की। यही का नतीजा है, यही का नतीजा है मेरे पास। आप लोग क्या बताएं, कभी भी आप लोग, हम बस यही कहना चाहते हैं कि लव मैरिज शादी मत करिएगा, क्योंकि लव मैरिज शादी का नतीजा आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। जरूरी नहीं कि हम सफर अच्छा मिल जाए, लाखों में एक मिलता है जो आपका साथ निभाता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं। और जैसे कि मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो साथ निभाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो बाद में दुगल जाते हैं, मजा मार लेते हैं बाद में दुगल जाते हैं। अभी इनका एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास अभी एक और लेडीज आई थी, उनका तो 3 बच्चा था, उनका तो इतना हालत ख़राब था कि मैं क्या बोलूं। अभी जस्ट आधे 15 मिनट हुआ है उनको मैं छोड़ी हूँ, ऑटो में बैठाई हूँ, और उनका हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनका स्टोरी सुन के मैं तो रोने लगी, रात का आँख देखी, रात का आँख लाल हो गया था। अभी भी आँख लाल है। किस तरह से समझा बुझा के उनको हम भेजे हैं कि जाइए उनसे, हमसे बात करवाइएगा। और यही सेम मैटर इनका भी है, और ससुराल वाले भी नहीं पूछते। वो अपने बेटे का पास ले कर तो शादी नहीं ना कर ली है दूसरा? नहीं। क्या करते हैं, कुछ काम पहले करते थे? नहीं, इधर 4 महीने से जब बाहर गया तब से फोन नहीं करते, ना कभी पूछते हैं बच्चे को ना हमको। बाबू है कि बहन है? बाबू है, 2 साल का। हाँ, 2 साल का, अभी 6 तारीख को 2 साल पूरा हुआ। तो हरदीप भाई आपके नंदोई हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लोग समझ सकते हैं आगे क्या हम आप लोग से बोल रहे हैं। प्लीज़ इनके चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, और पार्ट टू पार्ट इनका स्टोरी आती रहेगी इस चैनल से, आप लोग देखते रहिएगा। प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बहनी बहुत परेशानी में है, बहुत मुसीबत में है, इनको आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। एक लड़की हो करके, एक लड़की का अगर हम सपोर्ट ना करें तो मेरे ऊपर भी धिक्कार है, और आप लोग समझ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए इनके चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम पार्ट टू पार्ट इनका सारा बात बताएंगे, मैटर क्या है क्या नहीं है। और इस मोबाइल से इनका वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा इसमें हम इसलिए लिए हैं क्यों अपने चैनल के जरिए लोगों को चैनल के जरिए इनको हम प्रमोट कर सकें, बाकी और कोई मेरा मकसद नहीं था। जय हिंद।